अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ईसा खान जिदून फ्रॉम गोल्डन सैंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ ऑटो कैड सेशन। डियर ऑल, इन लेक्चर 16 आई हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टेयरकेस, हाउ टू डिजाइन इट, हाउ टू ड्रॉ इट एंड हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेप्स, इट्स राइजर एंड इट्स ट्रेड फॉर अ स्टेयरकेस। आई होप यू अंडरस्टूड दैट विल बी वेरी वेल। टुडे इंशाल्लाह वी विल मूव फॉरवर्ड एंड विल डिस्कस ऑल अबाउट द फर्नीचर, हाउ टू डाउनलोड एंड इंसर्ट फर्नीचर इन अवर हाउस प्लान। Dear all, furniture is necessary because when we are designing a house plan, then it's our duty to show the placement of furniture in our house plan, which is very very important. So yes, without wasting any time, let us get right into the computer screen. Thank you so much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear all, lecture number 17 ka proper start lete hain. हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपने ऑटो कैड में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और इसी तरह सबसे आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग एक हाउस प्लान ड्रा कर रहे होते हैं, सपोज़ आप एक डिज़ाइनर हैं, मैंने आपको हायर किया कि मेरा एक कनाल का प्लॉट है, आप इसे कंप्लीट डिज़ाइन करके दो। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, डिज़ाइन तो आपने कर लिया लेकिन उसका फर्नीचर प्लान, उसकी फर्नीचर की प्लानिंग करना भी ये आपकी ही जिम्मेदारी है। आपने जो अमाउंट उसके साथ तय की है कि मैं इतनी अमाउंट में आपका हाउस प्लान रेडी करके दूंगा, उसी में आपके ऊपर फ़र्ज बनता है कि आपने फर्नीचर प्लान भी बताना होता है। बिकॉज डियर, फर्नीचर प्लान की कुछ शराइत होती हैं, जब बात बेडरूम्स की आती है तो वहाँ पर कुछ लिमिट्स होती हैं कि आपने कौन सी जगह इस बेड को प्लेस कर सकते हैं, कौन सी जगह रिस्ट्रिक्टेड है कि जहाँ आप बेड प्लेस नहीं कर सकते। आज हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि फर्नीचर की प्लानिंग किस तरह करते हैं, कि बेडरूम को डिज़ाइन किस तरह करना है, कि बेडरूम की फर्नीचर प्लानिंग किस तरह करनी है। ये हम लोग जब हाउस प्लान बनेगा एक सैम्पल के तौर पर जब यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ये चीज़ ज़ेर बहस आएगी। आज का ये लेक्चर उस पर नहीं है, आज का लेक्चर ये है कि आखिर हम अपने हाउस प्लान में फर्नीचर लाएँ तो लाएँ कहाँ से। कुछ डाउनलोड करना है तो वो कैड ब्लॉक्स हैं, कुछ तो वो उनका क्या तरीकाकार है और इन्हें फिर कैसे इंप्लीमेंट करके कैसे हम प्लेस करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर डिटेल से बहस होगी। आप लोगों ने वीडियो के साथ ही रहना है। सो वीडियो का एक स्टार्ट ले लेते हैं, जहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सैंपल के तौर पर रेक्टेंगल की कमांड दे देता हूँ, सैंपल के तौर पर रेक्टेंगल की कमांड दे देता हूँ। REC एंटर प्रेस किया और 25x30 का एक बेडरूम बना देते हैं, जूम आउट कर देते हैं ज़रा सा। ओके, ये 25x30 का एक बेडरूम बन गया, इसका ऑफसेट भी ले लेते हैं, 6 इंचेस का ऑफसेट भी ले लेते हैं इसका। ओके, डन हो गया। अच्छा, ये आप सपोज करें कि मेरे पास एक बेडरूम है, अब इसकी डोर्स कैसे लगानी है, विंडोज़ कैसी लगानी है, वो सब कुछ आप लोगों को मालूम हो गया। अब इसके अंदर टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, डायमेंशंस को कैसे शो करना है, वो सब कुछ आपको पता। अब जो चीज़ मिसिंग रहती है वो है फर्नीचर, कि भाई आपने फर्नीचर भी इसमें यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो आप फर्नीचर कहाँ से इंसर्ट करोगे। अच्छा, ये हमारे पास फर्नीचर के दो मेथड्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक ही मेथड बताऊँगा, क्योंकि वो एक मेथड बताने का मकसद ये है कि एक तो वो है इजी और उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें वैरायटी है, हमारे पास ऑप्शंस की वैरायटी है। अगर हम मुझे एक बेड चाहिए तो मेरे पास एक बेड की हज़ारों लिस्ट आ जाएगी कि आपको किस टाइप का बेड चाहिए, कौन से डिज़ाइन वाला बेड चाहिए, तो वो ऑप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऑटो कैड में आकर ये रेक्टेंगल की कमांड बना के आप लोग छोड़ दें, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद आपने जाना है गूगल क्रोम में जाने के लिए आप ऑटोकैड की स्क्रीन को मिनिमाइज़ करें और वाईफाई आपका ऑन होना चाहिए, आपने यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। जैसे भी आपका गूगल ऑन होगा, आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर टाइप करना है फ्री कैड ब्लॉक्स डाउनलोड। ये कैड का मतलब है ऑटोकैड। आपने फ्री कैड ब्लॉक्स डाउनलोड करके यहाँ पे सर्च कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कैड ब्लॉक्स फ्री ऑटो कैड फाइल्स और DWG की फाइल्स ऑटो कैड की फाइल्स को बोलते हैं, इस पर क्लिक करना है। ओके, इस देखें आपके पास लिस्ट आ गई, आपके पास बाथरूम की फाइल्स आ गई, फर्नीचर की फाइल्स आ गई, वेजिटेशन की आ गई, कार्स एंड व्हीकल्स की आ गई, डोर्स एंड ड्राइंग्स की आ गई, पीपल्स की आ गई, किचन्स की ब्लॉक्स की आ गई, अदर ऑटो कैड के जो ब्लॉक्स हैं उनकी आ गई, एक देखें स्ट्रीट लाइट्स की आ गई, तो एक एक चीज़ हमारे पास आ गई। सपोज मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फर्नीचर वाली को व्यू करता हूँ,
आप कोई भी अपनी मर्जी की उठा ले। और यहाँ से मैंने क्या किया कि यहाँ से कोई सी भी एक डाउनलोड कर लेते हैं, आपने 2D वाली करनी है, ठीक है, ओके। सपोज हम यहाँ से सोफा प्लान डाउनलोड कर लेते हैं, व्यू करते हैं सोफा प्लान को, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अच्छा आप जैसे ही आपने सोफा प्लान पर क्लिक किया, देखिए ये तमाम सोफा की वैरायटी आपके पास आ गई, लेकिन आपको आप इसे यहाँ से यूज नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, नीचे आएंगे, यहाँ से डाउनलोड कैड ब्लॉक्स, डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये एक फाइल आपकी डाउनलोडिंग के नीचे हो जाएगी। ऑलमोस्ट 156 KB की है, बहुत स्मॉल सी ये फाइल है। ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी वाईफाई की कनेक्टिविटी पर कि कितना वो तेज़ है। ओके व्यूअर्स, हमारे पास फाइल डाउनलोड हो चुकी है। आपने इस फाइल पर राइट क्लिक करके इसे शो इन फोल्डर करना है। जैसे ही फाइल डाउनलोड होगी, राइट क्लिक किया, शो इन फोल्डर पर आ गए, ये ऊपर आपके पास पड़ गई है ये 156 KB की फाइल। अगेन आपने इस पर राइट क्लिक करके और इस यहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। ओके आपने एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही आप लोग एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल ये नीचे आ जाएगी, वही कैड ब्लॉक्स नेट सोफाज वाली। आपने इस फाइल पर क्लिक करके और आपने इसे यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग इसे यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये नीचे आपके पास सेव हो जाएगी। देखिए आगे क्या लिखा हुआ, DWG फाइल 188 KB, बिल्कुल फर्स्ट वन DWG फाइल ऑटोकैड की फाइल होती है। अब जब मैं इसे ओपन करूँगा तो ये मेरी ऑटोकैड में जाकर ओपन होगी, बस ये इतना सा काम था ये। अब यहाँ से आप इसे अपनी आसानी के लिए सेंड टू डॉक्यूमेंट्स सॉरी डेस्कटॉप कर दें ताकि आपका वहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट हो जाए। अगेन आप जाएंगे व्यूअर्स अपनी बाकी विंडोज़ क्लोज करके, अगेन आप लोग जाएंगे ऑटोकैड में और ये देखें आपका बाहर ये शॉर्टकट आ गया, कैड ब्लॉक्स एंड सोफा, सोफा का शॉर्टकट आपका ये आ गया। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, डाउनलोड किया और बाहर आ गया, ये देखें व्यूअर्स आपकी ऑटोकैड की स्क्रीन पर तमाम के तमाम सोफाज आपके रेडीमेड होके आ गए। आगे जो छोटा सा स्टेप है वो जस्ट हमने करना है। अब सपोज करते हैं मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाला सोफ़ा पसंद है, मुझे ये वाला सोफ़ा पसंद है और इसे मैं अपनी फाइल जो मेरी ओरिजिनल ड्राइंग की फाइल है जिसपे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, जिसपे मेरा हाउस प्लान रेडी है, मैं इसे वहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ। आपने जस्ट इतना करना, इस पर रख कर इसे यहाँ से कॉपी करना है। कैसे, Ctrl+C प्रेस किया तो बस ये कॉपी हो गया। इसके बाद आप इस फाइल इस फाइल को मिनिमाइज़ करेंगे, नीचे ऑटोकैड पर जाएंगे और जो आपकी ओरिजिनल ड्राइंग वाली फाइल है ये वाली DWG आप इसे ओपन कर देना है। यहाँ पर आके आप कहीं पर भी Ctrl+V प्रेस कर देंगे। जैसे ही आपने Ctrl+V प्रेस किया, ये सोफ़ा हमारे पास यहाँ पर ये आ गया। आपने इसे क्या करना है, मूव की कमांड देकर अपने हाउस प्लान के पास लेकर आना है। लेकिन अब चूंकि हमारे पास थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये है, और वो प्रॉब्लम ये है कि प्लान हमारा छोटा है और सोफ़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है, अब वहाँ पे सोफे को इंसर्ट कैसे करें। अब ये लास्ट स्टेप है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि देखते हैं कि यार हम इस चीज़ को कैसे इसमें इंसर्ट करेंगे। एक कमांड आज आप सीखेंगे वो है अलाइन की कमांड, ALIGNED अलाइन की कमांड। अलाइन की कमांड ये काम करती है कि आपने जो चीज़ इंसर्ट करनी है वो उस हिसाब से इंसर्ट कर देती है कि वो उस रूम में फिट हो जाए, ठीक है। अब उसकी शॉर्टकट की है वो है AL लिखकर आपने ये फर्स्ट नीचे आगे अलाइन ALIGN AL प्रेस करके एंटर। अब वो कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने इस ऑब्जेक्ट को लेके जाना है, एंटर प्रेस करें। अब वो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट, इस चीज़ को समझिएगा। फर्स्ट सोर्स पॉइंट का मतलब है ये कह रहा है कि मैं ये जो आपने चीज़ सेलेक्ट की है इसे कहाँ से उठाऊँ। मैं कहता हूँ तुम इसे यहाँ से उठाओ। स्पेसिफाई फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, कहते हैं मैं इसे लेके कहाँ जाऊँ। देखें स्पेसिफाई फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, कहते हैं अगर मैंने ये कोना उठाया और इस कोने को मैं लगाऊँ कहाँ पर। मैं कहता हूँ यार तुम इस कोने को इधर लगा लो। ओके अब वो कह रहे हैं कि स्पेसिफाई सेकेंड सोर्स पॉइंट, कहते हैं सेकेंडली मैं इस पॉइंट को या इस सोफे को कहाँ से उठाऊँ। मैं कहता हूँ तुम इसका सेकेंड कॉर्नर ये वाला उठाओ और उठाकर यहाँ पर लगा दो, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट मांग रहे, अब थर्ड पॉइंट ना भी दें, डायरेक्ट एंटर प्रेस करें। स्केल ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट, कहता है ऑब्जेक्ट को मैं ऑटोमेटिकली स्केल कर दूं कि वो जहाँ फिट आ जाए। हम कहते हैं जी यस। ये देखें वो सोफ़ा जो पहले वाला यहाँ एक बड़ा सोफ़ा था, अब वो कितना ईजिली हमारे इस एरिया में आकर इंसर्ट हो गया और ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये फिट हो गया है। अब छोटी सी एक एग्जांपल और देख लेते हैं।
यहाँ पर मैंने अपने लिए बेड्स भी डाउनलोड करके रखे हुए हैं। बेड्स को ओपन कर लेते हैं और एक बेड भी उठा कर देखते हैं कि सपोज़ मैं करता हूँ कि मुझे ये वाला बेड पसंद आया है, कंट्रोल प्लस सी प्रेस करना है जस्ट आपने। इसके बाद आप अपनी फाइल में आएंगे और यहाँ पर जस्ट आपने कंट्रोल प्लस वी प्रेस करना है। वी प्रेस करेंगे तो ये आपने क्या करना है। अब चूंकि बेड मेरे ख्याल में इस कमरे के लिए बेड की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, इस तरफ होनी चाहिए, ये राइट साइड की तरफ मुड़ा होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ से रोटेट की कमांड दे के फर्स्ट ऑफ ऑल इस बेड को तो थोड़ा सी इसकी चेंज कर लेता हूँ, इसकी पोजीशन, क्योंकि पोजीशन मुझे इसकी करेक्ट नहीं लग रही। ओके डन। यहाँ पर आपने अलाइन की कमांड देनी है, ए एल एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब देख लें आप यहाँ से पकड़ा, मैं कहता हूँ कि तुम इसे पहला पॉइंट ये दे दो ये, और कहता है कि स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, मैं कहता हूँ सेकंड पॉइंट यहाँ से पकड़ो और जो ये लाइन है ऑलमोस्ट इसके कॉर्नर से थोड़ा ऊपर मुझे दे दो। ओके वीर, जैसे ही मैंने यहाँ पर यस प्रेस किया तो ये देखें बेड हमारा ऑटोमेटिकली अपने इस कमरे में कैसा इजीली यहाँ पर आके फिट हो गया है। मैं जो इसकी आउटर बाउंड्री वॉल है इसके कलर ज़रा से चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें चीज़ें ज़रा सी क्लियर हो जाए। ओके फिर ये तो थे हमारे बेड्स एंड सोफ़ाज़ की इंसर्शन। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ थोड़ी सी आपको और बताना चाहूँ कि आप कोई सा भी फर्नीचर हो, कोई लॉन की एक्सेसरीज हो, बाथरूम की एक्सेसरीज हो, व्हीकल्स हो, आपने कुछ भी अपने प्लान में शो करवाना हो तो आप इसी तरह से जाकर कैड फाइल्स को फ्रीली इंटरनेट से, गूगल से, आपसे डाउनलोड करके, और मैंने आपको बताया डाउनलोड के बाद आपने शो इन फोल्डर में जाकर उन्हें एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट के बाद वो ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली DWG की फाइल बन जाएगी। आप उसे ओपन करेंगे तो वो तो आपकी ऑटो कैड में ओपन होगी। जो चीज़ आपको पसंद आई आप उसे कंट्रोल प्लस सी करें, कॉपी करें अपनी ओरिजिनल फाइल में आकर उसे पेस्ट कर दें कंट्रोल प्लस वी से, देन आप अलाइन की कमांड यूज़ करके उसे अपने प्लान में फिट कर दें। वीर, दिस वॉज ऑल अबाउट फर्नीचर प्लान एंड ऑटो कैड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करें चैनल की तरफ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दें, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। सो वीर, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।